नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुड़ पाक। गुड़ पाक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गुड़ पाक बनाना। तो गुड़ पाक बनाने के लिए यहाँ पे हमें एक आधा कटोरी गोंद, एक कटोरी ड्राई फ्रूट काजू और बादाम को मैंने मिक्स करके लिया है, एक कटोरी नारियल का बूरा, आधा कटोरी खरबूजे के बीज, 2 से 3 चम्मच यहाँ पे सौंट का पाउडर, काली मिर्च थोड़ी सी, और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने इलायची का पाउडर लिया है। अब हम यहाँ पे एक कढ़ाई लेनी है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। तो घी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने छोटी वाली चम्मच से थोड़ी सी बड़ी वाली चम्मच का यूज किया है, और घी भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूँ का आटा। आटे को हमें अच्छे से सेक लेना है, जब तक ये अच्छे से सिक ना जाए तब तक हमें इसको अच्छे से लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पे हमें घी थोड़ा सा कम लग रहा है आटे में, तो इसमें हम आधा चम्मच घी और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच घी और डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आटे का भी हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लग गया है, तो आटा भी हमारा अच्छे से सिक गया है। अब हमें आटे को अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो आप यहाँ पे किसी बर्तन में भी निकाल के इसको ठंडा कर सकते हो, या आप इसी कढ़ाई में इसे ठंडा होने के लिए छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें बंद कर देंगे, और अभी कढ़ाई काफ़ी गर्म है तो इसे हमें थोड़ी देर चलाते रहेंगे कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, नहीं तो ये जल जाएगा। कढ़ाई अभी काफ़ी गर्म है इसलिए। और यहाँ पे हमें दूसरी कढ़ाई में डालेंगे 1.5 चम्मच घी। तो यहाँ पे घी को भी हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। तो घी भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें गोंद डाल के गोंद को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमें सारा गोंद एक साथ नहीं डालना है, इसमें हम आधा गोंद डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से गोंद हमारा फूल गया है। तो अब गोंद भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, इसका अच्छा सा कलर चेंज हो गया है। अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह हमें जो बचा हुआ गोंद है उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बचा हुआ गोंद था वो भी हम इसमें डाल देना है, और इसको भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका अच्छा से कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए इसका भी अच्छे से कलर चेंज हो गया है, इसे भी हमें एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हमें जो बचा हुआ घी है उसमें हम थोड़ा सा घी और डालेंगे, उसमें हम ड्राई फ्रूट को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हल्के हल्के से हमारे ड्राई फ्रूट फ्राई हो जाए, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे खरबूजे के बीज। तो यहाँ पे हमने खरबूजे के बीज भी डाल दिए हैं। इन तीनों को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का हल्का इनका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इनका हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है, इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। अब हमें नारियल के बूरे को भी अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पे हमें नारियल के बूरे को कढ़ाई में डाल दिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पे हमें इसको अच्छे से लगातार चलाते रहेंगे, और 1 मिनट के लिए हल्का हल्का इसे सेक लेना है। तो यहाँ पे हल्का हल्का हमारा नारियल का बूरा भी सिक गया है, और यहाँ पे हमें एक मिक्सर जार में ड्राई फ्रूट डाल के इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट भी हमारे अच्छे से पीस गए हैं, और यहाँ पर हमें गोंद को भी अच्छे से पीस लेना है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी फोड़ के डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें मिक्सर जार में डाल के इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए गोंद भी हमारा अच्छे से पीस गया है। तो यहाँ पे आटा भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो ड्राई फ्रूट का हमने पाउडर पीस के लिया था वो। तो यहाँ पर हमें सारा ड्राई फ्रूट का पाउडर इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे नारियल का बूरा। तो यहाँ पे हमने नारियल के बूरे को भी डाल दिया है। अब हम इसमें गोंद डालेंगे।
तो गोंद जैसा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपको पीस के डालना हो या आपको फोड़ के डालना हो तो आपको जैसा पसंद हो उस हिसाब से आप यहाँ पे गोंद को यूज कर सकते हो। तो इन सब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गोंद हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे गोंद और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो गए हैं। इन्हें हमें साइड में रखेंगे और यहाँ पे हमें एक कढ़ाई में 1.5 चम्मच घी डालेंगे। आप घी की जगह पानी का भी यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमें गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है। तो यहाँ पे हमें घी को भी अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी गुड़। तो गुड़ को मैंने यहाँ पे अच्छे से कूट लिया है, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हमें गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने तक पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे इसे अच्छे से हमें मेल्ट कर लेना है। तो देखिए गुड़ भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हमें यहाँ पे सारी चीज़ों को डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हमें गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आपको यहाँ पे लगे कि हल्का सूखा सूखा सा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसमें हमने काली मिर्च का पाउडर, सौंठ का पाउडर और इलायची पाउडर डाल दिया है। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 मिनट के लिए और पका लेना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 1 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हमें 1 मिनट के लिए अच्छे से इन्हें मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये पक गए हैं, चारों तरफ घी दिखने लग गया है। तो अब हमें गैस को बंद कर देंगे, इसे हमें एक थाली में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें सारी गुड़ पाक की पेस्ट को इसमें निकाल के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हो या आप इसे चक्की की शेप में भी काट सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमें अच्छे से इसे सेट कर दिया है, उस पर कितना घी दिख रहा है ऊपर। अब हम इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल के इसको अच्छे से सेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस पर थोड़े से बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है और उसको अच्छे से हमें सेट कर देना है। और इसे आधे घंटे के लिए ही हमें ठंडा होने के लिए छोड़ना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधे घंटे के लिए। तो आप देख सकते हो ये दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है और इसे आधा घंटा हो गया है, ये अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे काट लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे चक्की की शेप में काट लिया है। तो आप देख सकते हो ये दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे हमें सारी चक्कियों को अच्छे से काट लेंगे और जिस शेप में आप काटना चाहते हो उस शेप में आप इसे काट सकते हो। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूट रही है और कितने अच्छे से ये निकल रहे हैं। तो गुड़ पाक तो हमारी बिल्कुल तैयार है बनके। तो आप सभी को ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी गुड़ पाक बनके तैयार हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।